हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ पंजाबी सरसों का साग, जो खाने में बहुत ही टेस्टी बनता है। आप एक बार मेरी तरह से सरसों का साग ज़रूर बनाकर खाएं। चलिए तो फिर हम बनाना स्टार्ट करते हैं। जिसके लिए मैंने 500 ग्राम बथुआ लिया है और 500 ग्राम ही पालक लिया है। इन दोनों को मैंने धो के अच्छे से काट लिया है और 1 किलो मैंने सरसों ली है। सभी को मैंने अच्छे से धोकर काट लिया है और अब हम एक कुकर लेंगे, उसके अंदर पूरी सरसों जो है वो डाल देंगे। साथ में हम पालक भी डाल देंगे। तो देखिए पालक मैंने डाल दी है। अब हम कुकर को गैस पे रखेंगे, क्योंकि बथुआ अभी इसके अंदर आएगा नहीं, तो इसलिए हम पहले गैस को ऑन कर देंगे। पालक और सरसों जो है थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए, उसके बाद हम इसके अंदर बथुआ डालेंगे। और 1 गिलास मैंने पानी डाल दिया है और इसे ऊपर से कवर कर देंगे। और जब ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा, हम इसे चम्मच की सहायता से दबा देंगे और अब हम इसके अंदर बथुआ भी डाल देंगे। ये बहुत ही टेस्टी बनता है फ्रेंड, सरसों का साग पंजाबी तरीके से हम बनाएंगे, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। आप एक बार मेरी तरह से सरसों का साग ज़रूर बनाकर खाएं। तो देखिए मैंने बथुआ, पालक और सरसों तीनों ही डाल दिया है। अब हम आधी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी चम्मच नमक डाल देंगे इसके अंदर और अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अब हम कुकर के ढक्कन लगा देंगे और 4 से 5 सीटी आने तक इसे पकाएंगे और प्रेशर इसके अंदर ही रहने देंगे। आप 7 से 8 सीटी भी लगा सकते हैं, तो मैं 5 से 6 सीटी इसके अंदर आने दूंगी और प्रेशर हम इसी के अंदर रहने देंगे। तो देखिए फ्रेंड, इसके 6 सीटी लग गई है, मैंने प्रेशर इसी के अंदर रहने दिया। अब प्रेशर इसका निकल गया है, अब हम कुकर का ढक्कन खोल लेंगे। आप देखेंगे कि बथुआ, पालक, सरसों जो है वो बहुत ही अच्छे से गल गई है। और अब हम इसे चम्मच से थोड़ा थोड़ा सा मैश कर लेंगे। वैसे तो इसे साग वाली घोटनी से घोटा जाता है, तो उसमें ना फ्रेंड आधा पौन घंटा लग जाता है घोटने में, क्योंकि एकदम स्मूथ करना होता है ना। पर आजकल किसी के पास इतना टाइम है नहीं कि वो घोटनी से घोटे, है ना। तो मैं इसे हैंड ब्लेंडर से ब्लेंड कर लूँगी। पहले एक बार हम इस तरह से मैश कर लेंगे इसे, फिर हम इसे हैंड ब्लेंडर से ब्लेंड करेंगे ताकि ये जो स्मूथ हो जाए। तो मैं हैंड ब्लेंडर का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप मिक्सी में भी इसे कर सकते हैं, पर मिक्सी में अगर आप कर रहे हैं तो पूरा ठंडा करके करें, क्योंकि गरम गरम में मिक्सी का ढक्कन जो है वो उड़ जाता है, फिर आप जल सकते हैं। तो एकदम ठंडा करके फिर साग को मिक्सी में आप चलाएं। तो हैंड ब्लेंडर से ये प्रॉब्लम नहीं आती है। तो आप देख सकते हैं मैंने बहुत ही अच्छे से इसे मैश कर लिया है हैंड ब्लेंडर से। और अब हम इसके अंदर 3 चम्मच डाल देंगे मक्की का आटा। अगर आपके पास मक्की का आटा नहीं है तो आप 3 चम्मच बेसन जो है उसे अच्छे से रोस्ट कर ले, वो भी डाल सकते हैं। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो थोड़ी ही देर में आप देखेंगे कि ये काफ़ी स्मूथ हो गया है। बस हमें इतना ही करना है और अब हम इस साग के लगाएंगे तड़का। तो आप देख सकते हैं कितना स्मूथ हो गया है। और अब हम इसके लगाएंगे तड़का। तो गैस पर हम एक कढ़ाई रखेंगे, कढ़ाई के अंदर डाल देंगे रिफाइंड ऑयल। तो फ्रेंड आप रिफाइंड ऑयल में भी तड़का लगा सकते हैं, सरसों के तेल में भी लगा सकते हैं, देसी घी में भी आप इसको तड़का लगा सकते हैं। वैसे तो ज़्यादातर देसी घी और रिफाइंड ऑयल में ही इसका तड़का बनाया जाता है। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा हम इसके अंदर डाल देंगे 1 चम्मच जीरा, 1/4 चम्मच हींग। तो मैंने 1.5 बड़े चम्मच रिफाइंड ऑयल लिया है।
जब हींग और जीरा दोनों अच्छे से पक जाएंगे तब हम इसके अंदर डालेंगे लहसुन। तो मैंने पूरा एक बंच लहसुन का लिया है जिसे मैंने बारीक कट कर लिया है, दो हरी मिर्ची ली है जिसे बारीक कट कर ली है। हरी मिर्च और लहसुन को हम हल्का सा भून लेंगे और अब हम इसके अंदर डाल देंगे तीन प्याज बारीक कटी हुई और प्याज को भी हमें अच्छे से भूनना है। प्याज को हमें गोल्डन ब्राउन होने तक भूनना है। तो देखिए प्याज गोल्डन ब्राउन हो गई है, अब हम इसके अंदर डाल देंगे तीन टमाटर। तो मैंने बड़े साइज के टमाटर लिए थे और अब हम इसके अंदर डाल देंगे धनिया पाउडर एक चम्मच, नमक स्वाद के अनुसार, हल्दी पाउडर डाल देंगे और लाल मिर्ची का पाउडर। इससे ज़्यादा ना साग के अंदर कोई भी मसाला नहीं डलता है, गरम मसाला वगैरह साग के अंदर नहीं डाला जाता है क्योंकि सिंपल तरीके से ही ये सरसों का साग पंजाबी लोग बनाते हैं। तो इसे अच्छे से मैश कर लेंगे और थोड़ा सा पानी डाल देंगे क्योंकि टमाटर जो है वो अच्छे से गल जाए। और मसाले को हम तब तक भूनेंगे जब तक कि मसाला तेल नहीं छोड़ देता। तो आप देख सकते हैं मसाले ने तेल छोड़ दिया है और अब हम इसके अंदर डाल देंगे साग। तो गैस का फ्लेम लो रखें, लो फ्लेम पे हमें साग को डालना है। तो सारा ही साग हम इसके अंदर डाल देंगे, जितना भी बनाया है सारा डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि साग और मसाले जो है अच्छे से मिक्स हो जाए। तो मिक्स करने के बाद फ्रेंड्स हम इसे ऊपर से कवर करेंगे और कम से कम 5 से 7 मिनट तक हाई फ्लेम पर पकाएंगे ताकि इसके अंदर जो भी पानी है वो सारा सूख जाए। आप बीच में चेक कर सकते हैं कि साग तले पे तो नहीं चिपक रहा। तो बस हाई फ्लेम पे आपको पका लेना है। अगर आपके साग के अंदर ज्यादा पानी नहीं है तो ना पकाएं, अगर पानी हो तो कम से कम 5 से 7 मिनट तक इसे हाई फ्लेम पर पकाएं। जब तक साग उचकता नहीं है ना तब तक साग की जो स्वादिष्ट जो स्वाद है वो नहीं आता है। आप देख सकते हैं पूरा ढक्कन जो है खराब हो गया है, साग जो है बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है, इसका सारा पानी जो है वो सूख गया है। और अब जो साग की जान है वो है देसी घी। तो देसी घी यहाँ पे आप जितना चाहे डाल सकते हैं अपनी पसंद से, कम खाते हैं तो कम डाल लें, ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा डाल लें। मैं 3 चम्मच मैंने देसी घी इसके अंदर डाला है और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। अगर आप ज़्यादा देसी घी खाते हैं तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं, देसी घी से साग का जो स्वाद है वो काफ़ी बढ़ जाता है। तो देखिए साग हमारा बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है, बहुत ही टेस्टी हमारा साग बना है और आप देख सकते हैं अब हम इसे परोस लेंगे, गैस को बंद कर देंगे और इसे के अंदर हम तड़का लगाएंगे। तो मैंने थोड़ा सा देसी घी लिया है, 2 सूखी लाल मिर्च डाली और 1/2 चम्मच लाल कश्मीरी मिर्च डाली है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इससे साग का जो टेस्ट है वो काफ़ी बढ़ जाता है। आप यहाँ पे लहसुन का और अदरक का तड़का भी लगा सकते हैं। तो देखिए साग हमारा बनकर तैयार है, चपाती से खाएं चाहे मक्की की रोटी के साथ खाएं, बहुत ही टेस्टी बना है। तो फ्रेंड वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर